नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट यूजीसी नेट के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। यूजीसी नेट के फॉर्म अभी 20 तारीख से शुरू हुए हैं और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 10 मई 2024 यानी 20 अप्रैल से शुरू हैं। इसकी अंतिम तिथि जो है ये है 10 मई और इसकी फीस की जो लास्ट डेट है ये है 11 मई। तो आपके पास समय बहुत कम है, सभी विद्यार्थी समय पर अपने आवेदन अप्लाई करेंगे। एक जानकारी बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यूजीसी नेट ने अब की बार अपने इस एग्जामिनेशन में कुछ चेंजेस किया है। सबसे बड़ा बदलाव इसमें क्या किया है, जो विद्यार्थी इस वर्ष फाइनल ईयर कर रहे हैं, एमएससी एमए या एमकॉम फाइनल कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जो है वो इसका आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। पहले अपेयरिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता था, जिसकी वजह से जो विद्यार्थी लास्ट ईयर में थे, जिनका एग्जामिनेशन फाइनल ईयर इस वर्ष होना है, ऐसे विद्यार्थी जो थे वो इसका आवेदन अप्लाई नहीं कर पाते थे। लेकिन इस वर्ष यूजीसी ने अपने इस नियम में बदलाव किया है, कोई भी विद्यार्थी इस वर्ष फाइनल ईयर में है वो विद्यार्थी अपेयरिंग में यूजीसी नेट का आवेदन अप्लाई कर सकता है, वो उसके लिए पात्र है और उसको आगे अगर सिलेक्शन होता है तो उसको काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। इसलिए कोई भी विद्यार्थी जो इस वर्ष जो विद्यार्थी फाइनल ईयर में, वो सभी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन बिल्कुल नेट का आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं, ताकि आपको एक साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी वर्ष आपकी पीजी कंप्लीट होगी और इसी वर्ष में आप अपना यूजीसी नेट का जो है वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अभी मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ यूजीसी नेट के फॉर्म की स्टार्टिंग डेट, अंतिम तिथि और इसके बाद इसमें कौन सी तारीख में क्या क्या होना है, इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 20 अप्रैल 2024 और अंतिम तिथि है 10 मई 2024 यानी 10 मई बिल्कुल इसकी अंतिम तिथि है। इससे पहले पहले आपको अपना आवेदन अप्लाई करना है, किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही किए बिना। अगर किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन कर लिया और आवेदन को सबमिट कर दिया लेकिन उसने फीस जमा नहीं की, तो उसको अंतिम तिथि जो है वो 11 मई 2024 है, यानी एक दिन का आपको मौका मिलेगा कि अगर आप 10 तारीख को रात को 12 बजे तक अपने आवेदन को सबमिट कर देते हैं, 11:50 से पहले अगर आप अपने आवेदन को सबमिट कर देते हैं और किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर आपकी फीस जमा नहीं होती है, तो ऐसे में आप 11 तारीख तक यानी 11 से 12 तारीख तक दो दिन का आपको समय दिया जाएगा। रात को 10:50 तक आप अपनी फीस जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। करेक्शन पैनल जो है वो 13 मई को खुल जाएगा, 13 मई से लेकर 15 मई तक आपका करेक्शन पैनल खुला रहेगा। किसी भी विद्यार्थी की किसी भी प्रकार की अगर कोई भी फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की अगर गलती हुई है, तो ऐसे में विद्यार्थी जो है वो 13 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में अपने फॉर्म का करेक्शन कर सकता है। और ये भी आपको 13 से 15 रात को 11:50 तक है, 11:51 पर आपका करेक्शन होना संभव नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थी विशेष करके ध्यान देंगे, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी 13 से लेकर 15 तारीख के बीच में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट 16 जून 2024 फिक्स है, 16 जून को ये एग्जाम होना है। यूजीसी नेट 16 तारीख को क्लियर अपना एग्जाम करवाएगा। सेंटर की डेट वगैरह जो भी हैं वो जैसे ही आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। इससे पहले आपको लोकेशन की और एडमिट कार्ड की कोई भी जानकारी जो है वो नहीं मिलेगी। फीस का स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा, जनरल कैटेगरी की फीस जो है वो 1150 रुपये है और जनरल EWS OBC और OBC नॉन क्रिमिलियर इनकी 600 रुपये फीस है। SC ST और विकलांग कैटेगरी यानी थर्ड जेंडर में भी अगर कोई आवेदन अप्लाई कर रहा है तो ऐसे में आपकी फीस 325 रुपये है। सभी विद्यार्थी यूजीसी नेट का फॉर्म जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो सभी विद्यार्थी प्लीज समय पर अपने आवेदन अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसमें काफ़ी टेक्निकल या कुछ ज़्यादा लोडेड होने की वजह से अंतिम तारीख में इसमें प्रॉब्लम रहती है। इसलिए सभी विद्यार्थी समय पर अपना आवेदन लगाएंगे, किसी भी प्रकार की बिना कोई गलती किए अपनी जो भी जानकारी है, फोटो और सिग्नेचर के फोटो के बारे में विशेष करके आपको जब आवेदन अप्लाई करें तो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर चेक करके ही आपको फोटो अपलोड करना है, वरना आपका आवेदन जो है वो कैंसिल हो सकता है। इसलिए सभी विद्यार्थी सारे नियम और फॉलो करके सारे नियम जितने भी इसके नियम और स्ट्रक्चर हैं उसको स्टडी करके और नियम को फॉलो करके ही अपना आवेदन अप्लाई करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेंगे। आप
इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे, ताकि इसकी जानकारी सभी को मिल पाए। और वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि आपको मैं आगे से आगे और समय समय पर सही जानकारी और प्रॉपर जानकारी जो है वो समय समय पर आपको बताते रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।